कैसे अपने आप अपने बाल विदिन 21 डेज मस्त करें। देखिए, सरसों का तेल लीजिएगा एक कटोरी, उसमें एक नींबू का रस निचोड़ लीजिएगा, यानी कि 4 चम्मच पानी। अब इसका आप झाग बनाइए और अच्छी सी चंपी कर लीजिए बालों की। 2 घंटे के बाद शैम्पू कर लीजिए और अगले दिन हीना बनाइए। कुछ भी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। एलोवेरा के पल्प में मेहंदी को घोलिए और मेहंदी लगा लीजिए। 2-3 घंटे के बाद मेहंदी धो दीजिए सिंपल पानी से। फिर सेम तरीका अपनाइए, सरसों का तेल, नींबू का रस और पानी, इसकी मसाज आपने सर में कर ली, यानी पहले ऑयलिंग, देन शैम्पू, देन हीना और फिर ऑयलिंग और फिर शैम्पू। अब आप कहेंगे इतने से बाल अच्छे हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। आप बिंदास करिएगा और हमें आप शेयर कीजिएगा। लेकिन अब इसके बीच में एक ट्विस्ट है, सबसे मेन चीज आती है, हर शैम्पू के बाद, हर हीना के बाद आपको एक सिरप बनाना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिरप कैसे बनाते हैं, लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, एक मुट्ठी आंवला सूखी कढ़ाई में भून लीजिएगा, वो काला सा होने लगे तब उसमें एक चुकंदर बिना छीले हुए कद्दूकस करके या मिक्सी में पीस के उसको पानी में घोल के उस रस को पूरा डाल दीजिएगा। यानी कि एक मुट्ठी आंवला हो गया, एक चुकंदर हो गया और साथ में कलौंजी, करीब 2 चम्मच कलौंजी डायरेक्ट डाल दीजिएगा। अब आप इसमें भर दीजिए पानी। जब पानी खौलने लगे तो ध्यान रखिएगा, छोटा सा एक एफर्ट और है, करी पत्ता 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी कड़वी नीम, दोनों नीम की मात्रा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दोनों को खोलते हुए पानी में डाल दीजिएगा। अब खोलते खोलते जब वो आधा रह जाए उसको छान लीजिएगा। अब जो जब भी आप शैम्पू कर रही हैं, जब भी आप हीना लगा रही हैं, सबके बाद लास्ट में उसको एज अ कंडीशनर लगाइएगा। मतलब वो पानी एकदम मेहरून कलर का, बरगंडी शेड्स का पानी होगा, उसको आप अपने से बालों में पूरा पूरा लगाएंगे और देखिए आप डिप कर दीजिएगा इन बालों को, अपने इन बालों को पूरा डिप कर दीजिएगा एंड बालों को फोल्ड कर लीजिएगा। बालों को भी सारा सिरप लगाने के बाद बालों को फोल्ड कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर इस सिरप को आप ड्राई बालों में लगाते हैं और मींस बाल में बिल्कुल ऑयल ना हो, और अलग से भी मतलब बता रहे हैं, इस सिरप को आप कभी कभी बीच बीच में जब आपके बाल सूखे हुए आपने ऐसी बालों में डाल दिया और कंघा कर लिया एंड उस बालों को फोल्ड कर लिया, 2-3 घंटे के बाद आप धीरे से अपना रोल खोल के देखिएगा, सा शाइनिंग एंड मस्त सा करली सा सॉफ्ट सा लुक आ जाएगा और वो बाल करली नहीं होंगे। आप 2-3 कंघे मारेंगे वो फिर स्ट्रेट हो जाएंगे। तो यानी कि सरसों वाला ऑयल, नॉर्मल हर्बल मेहंदी, एक बार एलोवेरा में, एक बार दूध में, एक बार दही में, 3 टाइप की मेहंदी, 1 टाइप का ऑयल और ये जो आपने सिरप बनाया है, ये सिरप हर शैम्पू के बाद आपके बालों में लगा रहेगा। यानी कि 21 दिन तक देखा जाए लगातार की मेहनत है, एक एक दिन छोड़ के अपने अपने, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उन 21 दिन कोई ट्रीटमेंट मत कीजिए, खाली इसको करके देखिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बस इस बीच कंडीशनर मत लगाइएगा, कोई ड्राई मत कीजिएगा, और ये सारी चीजें मेनली मेरी तरफ से नेचुरल हेयर्स के लिए, जिन लोगों ने कभी केमिकल यूज नहीं किया है। लेकिन सरप्राइज ये है, बहुत अच्छी बात है कि लोग बता रहे हैं कि केमिकल वाले बालों पे भी इससे अंतर आ रहा है। तो देखिए, इसमें ना कोई मेरा प्रोडक्ट है, ना कोई बाजार की चीज है, सारी चीजें आपके पास घर पे है, थोड़ा सा पेन है, थोड़ा सा एफर्ट है, लेकिन ये सब चीजें आपको बहुत अच्छा फील कराएंगी। और आजकल आपके पास टाइम भी है तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और विद इन 21 डेज आप अपने बालों को, एक पिक पहले ले लीजिएगा और एक पिक आप बाद में लीजिएगा, डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल्स, कोई मिरेकल नहीं होगा, लेकिन ये बात एकदम सच है कि जो पहले बाल होंगे और जो बाद के बाल होंगे वो आपको देख करके खुद एक मुस्कान आ जाएगी, आपको लगेगा वाह हमने ये तो अपने आप कर लिया। और फिर जब इतना हो जाएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस चीज़ों को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको फिर किसी कहीं पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं, कहीं किसी से कोई कॉन्टेक्ट करने की, जब मूड आया आपने स्टेप को कर लिया। तो देखा आपने, सारी चीज़ें घर की थी, सब आपके चारों तरफ की थी। तो इसको आप आजमाइए, इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको बाजार का नहीं लगाना है, सिर्फ हफ्ते में 1 हीना हो गई और 2 ऑयलिंग हो गई और एवरी ऑल्टरनेट डे हर्बल सिरप हो गया जो हमने आपको बताया है, बस इतनी ही चीज़ें आपके बालों को एकदम मस्त कर देंगी।